नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। एशियाई सुबह के ट्रेड के दौरान मंगलवार की रैली ने पिछले 72 घंटों में क्रिप्टो मूल्य की बहु धीमी गति को समाप्त कर दिया है, जिससे बिटकॉइन 6 हफ्ते में पहली बार 71,000 डॉलर से ऊपर चला गया। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 7.36% की बढ़त के साथ 71,300 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी। विश्वसनीय अफवाहों के बाद पिछले 24 घंटों में ईथर में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है कि एसेट्स को कुछ ही दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना खुद का स्पॉट ETF प्राप्त हो सकता है। ईथर फिलहाल 3,694 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ इसके बाद 1720 UTC पर ब्लूमबर्ग ETF विश्लेषक एरिक बालचुनास का एक ट्वीट आया कि वह और उनके साथी जेम्स सेफर्ड इस महीने ETH ETF अप्रूवल की संभावना 25% से बढ़ाकर 75% कर रहे हैं। इस बीच कॉइनशेयर्स द्वारा फंड इनफ्लो की नवीनतम साप्ताहिक समीक्षा में डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में कुल $932 मिलियन के इनफ्लो में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पिछले हफ्ते के $130 मिलियन से 716% की वृद्धि दर्शाता है। BTC पर शॉर्ट पोजीशन में महत्वपूर्ण रुचि का अभाव एक सकारात्मक निवेशक दृष्टिकोण का सुझाव देता है। आज तक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ने साल की शुरुआत से $13.85 बिलियन का इनफ्लो जमा किया है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.62 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 10% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $117.76 बिलियन है, जो 131.3% की वृद्धि है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $9.33 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का 8% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $107.77 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का 91.5% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.7% है, जो दिन भर में 0.84% की कमी है। थेनफील्ड कैपिटल ने नोसिस डाओ के लिए $30 मिलियन के बायबैक प्रोग्राम की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य टोकन के मार्केट वैल्यू को उसके इंट्रिंसिक बुक वैल्यू के साथ फिर से संरेखित करता है। क्रिप्टो फंड के पास महत्वपूर्ण मात्रा में JNO है, जो और टोकन के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने में अपने खजाने से $30 मिलियन डिप्लॉय करने की योजना है। नोसिस के पास नॉन JNO लिक्विड एसेट्स में $630 मिलियन और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में $100 मिलियन है। प्रस्ताव को नोसिस कम्युनिटी से प्रारंभिक समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें गवर्नेंस फोरम के 14 में से 12 वोटर्स पक्ष में है। नोसिस के कोफाउंडर मार्टिन ने बायबैक को ग्रोथ प्रोग्राम से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। यदि मंजूरी मिल जाती है तो बायबैक प्रोग्राम टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी, द टाइम वेड एवरेज प्राइस स्ट्रेटजी, जो 6 महीनों में JNO टोकन खरीदने के लिए $15 मिलियन आवंटित करेगी, और विवेकाधीन दृष्टिकोण, जो अन्य $15 मिलियन आवंटित करेगी। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने पिछले साल अक्टूबर में जेनेसिस डिजिटल करेंसी ग्रुप और जेमिनाई के खिलाफ दायर मुकदमे से उपजे दिवालिया क्रिप्टो फर्म जेनेसिस ग्लोबल के साथ $2 बिलियन का समझौता हासिल किया है। इस समझौते का उद्देश्य उन निवेशकों के लिए अधिकतम वसूली करना है, जिनके पास धोखाधड़ी और हेराफेरी के माध्यम से घोटाला किया गया था। यदि लेनदारों को आज के डिजिटल एसेट वैल्यू के आधार पर पूर्ण नहीं बनाया जाता है, तो पीड़ित फंड को दिवालियापन वितरण के बाद जेनेसिस की एसेट में रिमेनिंग एसेट से लेनदारों को $2 बिलियन तक वितरण प्राप्त होगा। विक्टिम फंड तब तक जेनेसिस के लेनदारों को उनके पूर्ण और उचित मात्रा में नुकसान की भरपाई करने के लिए वितरण करेगा, जब तक विक्टिम फंड समाप्त नहीं हो जाता। बोम एक डिजिटल एसेट ने बायनांस पर सूचीबद्ध होने के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया। इस कदम से न केवल बोम की लिक्विडिटी बढ़ी, बल्कि क्रिप्टो कम्युनिटी में इसकी दृश्यता और विश्वसनीयता भी बढ़ी। लिस्टिंग को रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों निवेशकों से उत्साह मिला, जो ऐसी लिस्टिंग को मैच्योरिटी और एक्सेप्टेंस के संकेत के रूप में देखते हैं। बोम की कीमत में वृद्धि बायनांस की सिलेक्शन प्रोसेस में विश्वास का प्रमाण है। चूंकि बोम को नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विश्लेषकों का सुझाव है कि शुरुआती गति को बनाए रखना इसके निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तकनीकी विकास, मार्केट के रुझान और नियामक परिवर्तन जैसे कारक इसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बोम की प्रबंधन टीम ने अपने नए प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें उनके ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि,
विपणन प्रयासों में वृद्धि और अन्य वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी शामिल है। एक फ्रेश और वाइब्रेंट अपडेट में शिप ने वेली फ्रेंड्स एनएफटी कलेक्शन की घोषणा की, जो एक पॉपुलर इटालियन रेस्टोरेंट और केटरिंग बिजनेस का समर्थन करने के लिए इनोवेटिव एनएफटीज की एक सीरीज है। वेली फ्रेंड्स एनएफटी क्रिएशन ने कलेक्शन में हर प्रोफाइल पिक्चर को सावधानी पूर्वक ऊंचा किया है। ऐसे वितरण जोड़े हैं जो सबसे छोटे आकार में भी बहुत कुछ बोलते हैं और 3D रेंडरिंग को हैंडक्राफ्टेड आर्टवर्क से बदल दिया है। शतोशी कुसामा के अनुसार अपग्रेड एनएफटी के साथ बातचीत करने का एक अनोखा और आकर्षक तरीका होगा, जो इटली के सबसे रोमांचक फूड ब्रांड्स में से एक के साथ साझेदारी करेगा। 80 के दशक की मांगा और एनिमे सीरीज कैप्टन सुबासा ने वेब 3 गेमिंग प्लेटफॉर्म ओएसिस ब्लॉकचेन पर एक एनएफटी सॉकर गेम लॉन्च किया है। मिंट टाउन और ब्लॉकस्मिथ द्वारा बनाया गया गेम खिलाड़ियों को मूल एनिमेटेड सीरीज से कैरेक्टर्स की एनएफटी एकत्र करने, कैरेक्टर्स को विकसित करने, टीम बनाने और विभिन्न मोड में खेलने की अनुमति देता है। प्रतिद्वंदी मोड खिलाड़ियों को मूल कहानी को फिर से देखने की अनुमति देता है, जबकि पीवीपी मोड खिलाड़ियों को अन्य ऑनलाइन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने की अनुमति देता है। अरीना मोड में 11 बनाम 11 सॉकर मैच है। मिंट टाउन के सीईओ हिरोशी कुनिमित्सु का मानना है कि ओएसिस ब्लॉकचेन पर गेम प्रशंसकों को एनिमेटेड कहानी का अनुभव करने और इंटरैक्टिव मनोरंजन और गेमिंग में ब्लॉकचेन तकनीक की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक नया तरीका प्रदान करेगा। क्लीवलैंड क्लिनिक ने उपयोगकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विश्राम प्रदान करने के लिए जेन क्वेस्ट नामक एक इंटरैक्टिव अनुभव बनाया है। ये गेम गेमिंग और माइंडफुलनेस तकनीकों को जोड़ती है, जिसमें ब्रेथवर्क, गाइडेड मेडिटेशन, अफर्मेशंस और आर्ट शामिल है। वर्चुअल टूर रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसे ऑनलाइन गेमिंग साइट के भीतर जेन क्वेस्ट खोजकर या सीधे लिंक पर क्लिक करके पाया जा सकता है। गेम को यंग एडल्ट्स की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मनोरंजन के रूप में वीडियो गेम के साथ बहुत समय बिताते हैं। नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस की रिपोर्ट है कि अमेरिका में लगभग 58 मिलियन लोग मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं और जीवन भर की 50% मानसिक बीमारियां 14 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं। ओवर प्रोटोकॉल ने सिबिल डिटेक्शन नामक एक नई सुविधा पेश की है, जो उपयोगकर्ताओं को उनकी पिछली गतिविधि के आधार पर पुरस्कृत करती है। सिबिल डिटेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ओवर वॉलेट और ओवर नोट योगदानकर्ताओं को एयरड्रॉप तक पहुंच प्राप्त होगी। नेदर से एनएफटी की भी उपयोगकर्ताओं को एयरड्रॉप तक पहुंच प्रदान करेगी। वर्तमान नेदर्स एनएफटी सार्वजनिक बिक्री 24 मई को सुबह 11 बजे यूटीसी पर समाप्त होगी। ऑपरेटिव ब्लॉकचेन पर उपयोगकर्ता 0.05 ETH के लिए एनएफटी खरीद सकते हैं। यदि प्रतिभागी 20,000 मैक्सिमम सप्लाई को पार कर जाते हैं तो प्रत्येक एनएफटी 500 से अधिक टोकन अर्जित करेगी। ओवर वॉलेट मोबाइल वॉलेट के लिए एक एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को ओवर प्रोटोकॉल से जोड़ता है और वर्तमान में इसके 5 मिलियन अकाउंट्स हैं। ओवरनोड एक नोड क्लाइंट आधिकारिक तौर पर इस साल की शुरुआत से जारी किया जाएगा। 2 टेस्टनेट चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मेनेट लॉन्च जून के लिए निर्धारित है। भारत में लुधियाना प्रशासन ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए पहले मेटावर्स संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ और लाइव बैंड का आयोजन किया है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम के तहत मॉल मैनेजमेंट के सहयोग से लुधियाना 70 पार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लक्ष्य लोकसभा चुनाव के दौरान 70% से अधिक मतदान हासिल करना है। इस कार्यक्रम में भारत के पहले मेटावर्स संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ का लॉन्च BCM आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्राओं द्वारा भांगड़ा प्रदर्शन और रॉक फ्लूइड बैंड द्वारा लाइव बैंड प्रदर्शन शामिल है। प्रशासन और चुनाव पर्यवेक्षकों ने निवासियों से वोट फॉर लुधियाना इन वेबसाइट का उपयोग करने का आग्रह किया, जो मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर भीड़ को ट्रैक करने की अनुमति देता है। जिला निर्वाचन अधिकारी साक्षी सहानी और पुलिस आयुक्त कुलदीप सिंह चहल ने चल रही व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों का दौरा किया। प्रशासन और चुनाव पर्यवेक्षकों ने निवासियों से voteforludhiana.in वेबसाइट का उपयोग करने का आग्रह किया, जो मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर भीड़ को ट्रैक करने की अनुमति देता है। जिला निर्वाचन अधिकारी साक्षी सहानी और पुलिस आयुक्त कुलदीप सिंह चहल ने चल रही व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों का दौरा किया।
डीईओ ने अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कड़ी निगरानी रखने और उचित सुरक्षा तैनाती योजना बनाने का निर्देश दिया। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त सतर्क। एक ग्राहक ने डॉल्चे & गबाना यूएसए पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी की डिलीवरी में गड़बड़ी के कारण खरीदे गए एनएफटी का मूल्य 97% कम हो गया है। इटालियन फैशन हाउस ने डिजिटल, भौतिक और अनुभवात्मक लाभों का वादा करते हुए इथेरियम पर एनएफटी बेची। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि डॉल्चे & गबाना एनएफटी वितरित करने में विफल रहे और समय पर लाभ का वादा किया, जिससे टोकन धारकों को उनका उपयोग करने से पहले 11 दिन और इंतजार करना पड़ा। शिकायत में ये भी दावा किया गया कि डॉल्चे & गबाना ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म से पहले से मंजूरी नहीं ली थी। प्लेंटिफ ल्यूक ब्राउन का दावा है कि उसने खरीदे गए एनएफटी पर $5,800 खो दिए हैं और वह एनएफटी परियोजना से डिजिटल संपत्ति खरीदने वाले अन्य लोगों की ओर से मुकदमा कर रहे हैं। उनका मुकदमा एनएफटी मार्केटप्लेस UNXT को भी लक्षित करता है, जिससे वह कानूनी कार्रवाई में एक पक्ष बन जाता है। एनएफटी बाजार ने 2024 में विकास के संकेत दिखाए हैं। अनुमान है कि 2023 की तुलना में बाजार मूल्य में 41% की वृद्धि होगी। हालांकि समग्र रुझान कई एनएफटी के मूल्य में गिरावट की ओर इशारा करता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3voc.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।